राम राम। नमस्कार सभी दोस्तों को, और इस 15 अगस्त के लिए सभी को हमारी तरफ से जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था पिछले वीडियो में कि 15 अगस्त के दिन आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो जरूर लाएंगे, और हमारी जो तिरंगा यात्रा की प्लानिंग थी वो कल तक निश्चित नहीं हो पा रही थी शाम तक, क्योंकि हमें अपने औरैया जिला के जिन प्रमुख कस्बों से होकर के तिरंगा यात्रा निकालनी है, वहाँ के एक जो सिस्टम होता है आप जानते होंगे कानूनी, और मैं भी कानूनी तरीके से किसी काम को करना पसंद करता हूँ, तो तिरंगा यात्रा निकालनी थी। सारे जो थाने पड़ते हैं जितने भी नगरों के और कस्बों के, उनसे परमिशन लेना था, तो कल देर शाम तक परमिशन हम लोग ले पाए, उसके बाद परमिशन मिली और ये तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। हमने आपसे वादा भी किया था, तो तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो रही है। इधर सारे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, सबसे पहले ध्वजारोहण होगा, तत्पश्चात राष्ट्रगान, और उसके बाद हमारी तिरंगा यात्रा जो जो रूट निश्चित हुआ था वहाँ से होकर के निकलेगी। एक बार हम आपको दिखा देते हैं कितने सारे युवा हैं यहाँ पर, और भारत की भक्ति का, राष्ट्रभक्ति का एक जज्बा है वो अपने आप में अलग होता है। सबके हाथों में तिरंगा है, सबके वाहन पीछे तैयार खड़े हुए हैं, ये लोग आगे हमको देख के तिरंगा लहराने लगे। सभी लोग आएंगे वीडियो में, और वीडियो आप देखते रहिएगा। एक बार हम दिखा रहे थे पीछे कितने सारे वाहन तैयार खड़े हुए हैं, और सभी लोगों को हमने समझा दिया, उद्घोषण कर दिया है, और आगे भी दिशा निर्देश देते रहेंगे कि तिरंगा यात्रा को, तिरंगे का कहीं भी जो है सम्मान नीचा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हमें निकालना है, और सड़क यातायात परिवहन उनको भी नियमों को ध्यान में रखना है, और परमिशन ली है तो उसमें कुछ नियम थे उन्हीं के तहत हमको चलना है, और राष्ट्रभक्ति का जज्बा है उसको कायम रखना है। एक बार आपको हम दिखा देते हैं कि कितने सारे राष्ट्रभक्त इकट्ठे हुए हैं, और कितना उनके अंदर जोश उमड़ रहा है राष्ट्रभक्ति को लेकर के, सबके हाथों में तिरंगा है। इधर देखिए कितने सारे वाहन खड़े हुए हैं, ये एक ई रिक्शा आया हुआ है जिस पर तिरंगे सजा रहे हैं कुछ नवयुवक, और ये ड्रेस में जो लड़के नज़र आ रहे हैं एक जैसी ड्रेस, ये हमारी ज़िले की एक एक्टिव क्रिकेट टीम है, उसके कुछ लड़के हैं खिलाड़ी हैं, और उधर लास्ट तक आपको तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहे होंगे। इधर देखिए कुछ लोगों को वीडियो और सेल्फी का जुनून रहता है, राष्ट्रभक्ति है, क्यों ना हो, होना भी चाहिए। और आप लोगों से भी निवेदन है, अगर सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो कमेंट में भारत माता की जय, वंदे मातरम लिखते जाइए, और आप लोग सच्चे देशभक्त हैं और होंगे ही, नहीं होंगे तो हम आपको बनाएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था राष्ट्रभक्ति का जज्बा कोई आपकी मर्जी पर डिपेंड नहीं करता, अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको वंदे मातरम कहना पड़ेगा, भारत माता की जय घोष करनी पड़ेगी। वो सामने हमारा वाहन खड़ा हुआ है डीजे का, उस पर एक सबसे ऊंचा तिरंगा लगाया गया आगे, और अब यहाँ उद्घोषण कर रहे हैं एक भैया कि सब लोग लाइन में आ जाएं, एक साथ खड़े हो जाएं, ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान, और उसके बाद में हमारी रैली आगे बढ़ेगी। जय हिंद। ये देखिए एक जय हिंद बोल रहे हैं, जय हिंद जय भारत। ये एक बैंक कर्मचारी है, छुट्टी पर है, बैंक गया था, वहाँ ध्वजारोहण के बाद तुरंत से लोग हमें रास्ते मिल गए, और यहाँ सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं क्योंकि राष्ट्रगान होना है, सबसे पहले राष्ट्रगान, राष्ट्र का सम्मान, और उसके बाद तिरंगा अभियान की यात्रा अपनी आगे बढ़ेगी, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपको दिखाते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए हमारा राष्ट्रगान हो चुका है, ध्वजारोहण हो चुका है, अब हम लोगों को सूचित किया गया है कि अपने अपने वाहनों पर पहुँचें, और नियम के तहत तिरंगा यात्रा को यहाँ से आगे बढ़ाया जाएगा, और ये हमारी राह की साथी खड़ी हुई है, और इससे हम चलेंगे, इसमें एक साथी को साथ में लेंगे, और रास्ते भर राष्ट्र गीत चलेंगे, देशभक्ति के गीत चलेंगे, और उन्हीं के सुरताल पर युवा थिरकेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त हम हैं अपने जो तिरंगा महारैली थी इसका जो सबसे पहला रूट था मेरा निकलने का, मुरादगंज, मुरादगंज हम पार कर चुके हैं, और इस वक्त हम हैं NH2 पर, नेशनल हाईवे पर, जो कि दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है, लगभग भारत के सबसे लंबे हाईवे में से एक, और हम सब लोग सुरक्षित अपने लेन में चल रहे हैं ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, जो वाहन रुके उनको भी कोई दिक्कत ना हो, और हम अपने रूट पर चलते रहें। प्यारे देशभक्तों, इस वक्त हैं अपने ही ज़िला के दूसरा गंतव्य जो था मेरा
वहाँ हम इस वक्त हैं, हमें अजीत मल में, और सामने देख सकते हैं स्काउट गाइड वाले कुछ एनसीसी वाले छात्र हैं जिन्होंने हाथ में तिरंगा ले रखा है, और बहुत ही लंबी इनकी कतार है। तो हम थोड़ा यहाँ सावधानी से चलेंगे, और सबके अंदर, हर देशभक्त के अंदर इस वक्त आज यानी 15 अगस्त को देशभक्ति का जज्बा उमड़ रहा है। आप देख सकते हैं तिरंगे ही तिरंगे नज़र आ रहे हैं, और इस रैली में छात्र छात्राएं सभी सम्मिलित हैं। कुछ जो ट्रेंड हैं युवा एनसीसी कर रहे हैं वो एक तरफ चल रहे हैं, और साथ चलने वालों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आप लोग यातायात में भी दिक्कत ना हो, इस तरीके से चलिए। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इतनी समझ नहीं होती है कि रैली में और यात्राओं में किस तरीके से चला जाता है, तो उनको गाइड कर रहे हैं वो लोग। और काफ़ी बड़ी ये रैली है, देखिए यातायात के लिए वाहन आवागमन भी चल रहा है, क्योंकि 15 अगस्त है और बहुत से भी काम है लोगों को जो उन्हें करने पड़ते हैं। तो काफ़ी लंबी कतार थी, और अलग अलग विद्यालयों के छात्रों ने मिल करके एक ही तिरंगा की महारैली जो बनाई, तो इस वजह से यहाँ ज़्यादा भीड़ हो गई थी इन लोगों में। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद की जय घोष करते हुए ये सारे युवा, और ये आप देख सकते हैं बीच में इनके कुछ जो विद्यालय के प्रिंसिपल वगैरह लोग हैं जिन्होंने पगड़ी पहन रखी है तिरंगा रंग की और सफ़ेद पोशाक में हैं। और काफ़ी लंबी इनकी कतार थी, जैसा कि हमने आपको बताया, काफ़ी विद्यालयों के अलग अलग होकर के सभी स्टाफ ने एक ही महारैली बनाई। और इस वक्त हम कस्बा अजीत मल के बीचों बीच हैं, नगर में चल रहे हैं। अब आगे चलते हैं, इससे आगे दिखाते हैं हम कहाँ से होकर के निकलेंगे। दोस्तों अभी हम हैं नगर पंचायत अटसू में, और यहाँ हम लोग थोड़ी देर रुके थे क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश आ रही, इसका ऐसा कुछ है नहीं, आज कोई आसार नहीं दिख रहे, और गर्मी की वजह से बार बार रुकना पड़ रहा है। जहाँ भी पानी मिलता है पानी यानी पी लेते हैं, कुछ लोग जलपान भी कर रहे हैं क्योंकि सुबह ही इसकी तैयारी शुरू हो गई थी जल्दी, तो लोग जल्दी घर से निकल आए थे। सभी को दिशा निर्देशित किया जा रहा है कि अपने अपने तिरंगे थाम लें और अपने अपने वाहनों पर सभी लोग आ जाएं, और जो जिसका वाहन है अपना वाहन ही चलाए। तो अभी हम नगर अटसू से निकल चुके हैं। दोस्तों इस वक्त हम हैं नगर पंचायत फफूंद में, जैसा कि हमने आपको पहले से बताया था कि फफूंद तक हमारी ये तिरंगा महारैली रहेगी, और इसके बाद हम अपने गंतव्य की ओर पुनः वापस यहाँ से जाएंगे। फफूंद थोड़ी देर रुके हैं, यहाँ पानी यानी पी रहे हैं लोग, और गर्मी बहुत ज़्यादा है चूँकि इस वजह से बार बार रुक के पानी पीना पड़ रहा है। और यहाँ से हम सीधा चलेंगे, नगर भ्रमण करेंगे, नगर भ्रमण करके पुनः उसी गांव वापस जाएंगे जिस गांव से ये तिरंगा महारैली शुरू हुई थी। तो अभी नगर भ्रमण में हम लोग देख सकते हैं आप, बीच में हमें रुकना पड़ रहा है क्योंकि दूसरी तरफ से भी नगर के कई विद्यालयों और विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, ऐसे तमाम जो सामाजिक संगठन हैं उनकी तरफ से एक शोभा यात्रा निकाली जा रही, विशाल तिरंगा शोभा यात्रा महारैली कह लीजिए, उसका आगमन हो गया। तो हमें एक तरफ रुकना पड़ रहा है क्योंकि मार्ग इतना ज़्यादा चौड़ा है नहीं, सकरा मार्ग है, बीच नगर के बीचों बीच हैं हम लोग, तो इस वजह से रुके, वो निकल जाते हैं, इसके बाद फिर हम निकलते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा जो इस तिरंगा महारैली का एक जहाँ तक हमें जाना था फफूंद नगर, इस वक्त हम चौराहे पर वहाँ खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ से भी फिर से एक शोभा यात्रा तिरंगा रैली आई है, तो इस वजह से हमें यहाँ फिर रुकना पड़ा। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर कुछ सामाजिक लोग हैं जो नेक दिल इंसान हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं पानी पिलाने का, और साथ साथ में कुछ जलपान भी करा रहे हैं, और आप देख सकते हैं हमारे साथ के युवा कुछ पानी दे रहे हैं गिलासों में भर भर के दूसरे, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए। साथियों हमारा इस वीडियो का उद्देश्य था कि किस तरीके से हमने राष्ट्रभक्ति के जज्बे को बरकरार रखा और एक तिरंगा रैली निकाली और आप तक राष्ट्रभक्ति पहुंचानी थी, और इसी उद्देश्य से हमने ये वीडियो बनाया था। आपका इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।